हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर एंड टेक्नोलॉजी। टुडे वी आर लर्न अबाउट फुसिया ऑपरेटिंग सिस्टम। तो चलिए शुरू करते हैं और इस चैनल के माध्यम से कुछ नया सीखते हैं। हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि फुसिया ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ये किसने बनाया है और क्यों बनाया है और ये कब तक लॉन्च होने वाला है। ओके, चलिए शुरू करते हैं। फुसिया ऑपरेटिंग सिस्टम गूगल ने बनाया है। ऐसे में आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि गूगल के ऑलरेडी एक एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है तो फुसिया ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। चलिए मैं बताता हूँ। एक्चुअली गूगल के एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत सी कमियाँ थी, जैसे कि समय समय पर सभी डिवाइस को अपडेट ना पहुँचा पाना, सिक्योरिटी की इशू, इसके अलावा मल्टीपल डिवाइस को कनेक्ट नहीं कर पाना। अगर मल्टीपल डिवाइस को कनेक्ट करना भी हो तो सभी के लिए अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ करना, जैसे कि मोबाइल और टैबलेट के लिए एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ करना और स्मार्ट टीवी के लिए टीवी ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ करना, इसके अलावा स्मार्ट वॉच के लिए वेयर ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ करना पड़ता था। इन सभी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गूगल ने एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया जिसका नाम है फुसिया ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ये फुसिया का मतलब क्या होता है, चलिए मैं बताता हूँ। फुसिया एक फ्लावर होता है जिसका कलर पर्पल और पिंक के कॉम्बिनेशन से बनता है, और इस फुसिया फ्लावर का मीनिंग होता है मैच्योरिटी और सर्टेनिटी, मतलब कि वो अपने सभी डिवाइसों में इस तरह की मैच्योरिटी और सर्टेनिटी क्रिएट करना चाहते थे जिसकी हेल्प से सभी डिवाइसों को आपस में कनेक्ट किया जा सके और इजीली कम्युनिकेट किया जा सके और उन सभी में एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज किया जाए, इसीलिए इस फुसिया ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज किया जाता है। इस फुसिया ऑपरेटिंग सिस्टम में माइक्रो कर्नल का यूज किया जाता है जिसका नाम जिक्रोन है, और इसका लाइव ट्रायल भी हो चुका है जो गूगल का पिक्सल लैपटॉप और टैब है जिसमें सफलतापूर्वक ट्रायल किया जा चुका है। अब आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा कि जब ये फुसिया ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाएगा तो ये जो पुराने सोशल मीडिया एप्लीकेशन है ये सपोर्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। फुसिया ऑपरेटिंग सिस्टम में ये सभी पुराने एप्लीकेशन को हम आसानी से यूज कर सकेंगे। इसके अलावा फुसिया ऑपरेटिंग सिस्टम पर बेस्ड बहुत से नए नए एप्लीकेशन आएगा जिनकी सर्विस और फंक्शनैलिटी को हम आसानी से यूज कर पाएंगे। आई होप कुछ नया सीखने को मिला होगा। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिएगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।